हेलो गाइस, आज मेरे पास रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 क्लासिक नैनीताल से सर्विस होने के लिए आई है, जिसके मैं सीट कवर डाल रहा हूँ। इसका वन वे बेयरिंग भी ख़राब था जो मैंने डाल दिया है, जिसकी वजह से सेल्फ इसका काम नहीं कर पा रहा था। बहुत परेशान हो रहे थे सर, क्या कहते हैं कि सेल्फ काम नहीं करता। मैंने इसका सेल्फ ठीक कर दिया है, वन वे बेयरिंग ख़राब था, वन वे डाल दिया है। इसकी सीट भी मैंने लगभग फिट ही कर दी है। इसके ब्रेक शू भी ख़राब थे, वो भी हमने एक्सचेंज कर दिए हैं। ब्रेक शू हम ओरिजिनल ही यूज़ करते हैं रॉयल एनफील्ड के, अगर कोई और से यूज़ करोगे तो वो आवाज़ करने लगते हैं और वो सेफ़ भी नहीं रहते हैं। और इसके अगले शू भी अच्छे काम नहीं कर रहे थे, डिस्क पैड भी काम नहीं कर रहे थे, वो भी मैंने कर दिए हैं सही। ये गाड़ी नैनीताल से हमारे पास सर्विस होने के नहीं आई है, और ये दूसरी गाड़ी जो हो रही है सर्विस, ये हमारी क्या कहते हैं नैनीताल से आई है, वो दड़ियाल साइड से आई है, रामपुर साइड से। इस गाड़ी की भी सर्विस हो रही है, इसमें भी काफ़ी काम होना था। इसके पहिए के बेयरिंग वगैरह, ब्रेक शू, क्लच की तार, काफ़ी कुछ होना है। इसमें भी काम, फुल सर्विस होनी है इसकी भी। इसके अगले शॉकर भी शायद रिपेयर होने हैं, वो भी कर चुके होंगे हम रिपेयर। देखिए आप बुलेट की सर्विस में क्या क्या होता है। एक तो हमें इसके क्या कहते हैं क्लच वगैरह सब यूज़ कर चेक करना पड़ता है, एक्सीलेटर वायर चेक करनी पड़ती है, सब हमें चेक करना पड़ता है। इसका क्लच का एडजस्टमेंट देखना पड़ता है, एक्सीलेटर वायर चेक करनी पड़ती है, ब्रेक चेक करने पड़ते हैं, टायर एडजस्ट करना पड़ता है। इसकी कपलिंग ख़राब थी, हमें कपलिंग भी नहीं पड़ेंगी इसके अंदर। ये देखिए कपलिंग हम निकाल रहे हैं इसकी, अब कपलिंग निकाल के हम दूसरी डालेंगे। ये दूसरी गाड़ी तैयार हो गई है लगभग, अभी वॉश के लिए गाड़ी जाएगी। सर्विस इसकी हमने कर चुके हैं, इसका वन वे बेयरिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ, डाल चुका हूँ। इस गाड़ी की कपलिंग पड़ेगी जो बहुत ज़रूरी था डालना, वो भी नहीं तो इसकी वजह से आवाज़ आती है खट खट। आप जब भी क्लच छोड़ें